हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज़ फैशन यू चेतना और आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मेरा इयररिंग हॉल वीडियो। सो रिसेंटली अभी आजियो से मैंने कुछ इयररिंग्स परचेज करे हैं। लाइक यू नो, जैसा कि आप जानते हो कि मेरे को वीडियोज़ बनाने पड़ते हैं मेकअप से रिलेटेड एंड फैशन से रिलेटेड। सो मेरे पास कुछ इयररिंग्स की अभी कमी हो गई थी। लाइक मुझे कुंदन एंड पर्ल डिज़ाइन के कुछ इयररिंग्स चाहिए थे, बट बहुत ही रिजनेबल प्राइस में। ऐसा नहीं कि मुझे 1500 से अबाउट चाहिए थे, मुझे बहुत ही रिजनेबल प्राइस में चाहिए थे, जो दिखने में भी बहुत सुंदर हो, उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी हो और उनका प्राइस भी बहुत कम हो। सो मैंने आजियो से शॉपिंग करी उन ईयरिंग को लेकर, एंड यू नो आजियो पे मुझे बहुत ही अफोर्डेबल क्वालिटी के कुंदन पर्ल ईयरिंग मिल गए हैं और मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ। एंड मैंने कम से कम 6 to 7 पीस वहाँ से पिक करे हैं ईयरिंग्स के। और सबसे अच्छी बात मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को यहाँ पे कि मैंने जितने भी ईयरिंग पिक करें वो बिलो 400 है एंड इनकी क्वालिटी अमेजिंग। लाइक आप इनका MRP प्राइस देखोगे तो 1200 इस टाइप का MRP प्राइस है। एंड मैंने अदर वेबसाइट लाइक मिंत्रा पे भी इनका कंपैरिजन किया, बट उसके कंपैरिजन में भी मुझे बहुत ही अफोर्डेबल पड़ गए। और एक टिप मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे बताना चाहूँगी, जब भी आप आजियो से शॉपिंग करो तो यू नो आप गूगल पे फ़ोनपे के ट्रांजेक्शन करते रहते हो तो वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा कूपन मिल जाते हैं आजियो के रिगार्डिंग। सो मुझे मोस्ट ऑफ मिल जाते हैं कि 1000 से अबाउट शॉपिंग करो तो 300 ऑफ या 200 ऑफ। सो मैंने वो कूपन यूज़ किया है एंड आजियो को जो मुझे एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा था वो भी मैंने यूज़ किया है। सो इसको यूज़ करते हुए मुझे बहुत सारे ईयरिंग्स जो है वो 250-350 की रेंज में मुझे पड़ गए हैं। सो मेरे सारे जितने भी ईयरिंग्स मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो सब बिलो 400 बन गए हैं। सो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एंड जब आप इनकी क्वालिटी देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है और इतने लार्ज साइज़ के ईयरिंग है कि इससे लार्ज तो आप क्या ही पहनोगे। एंड ये जो ईयरिंग्स है वो सभी आउटफिट पे जाने वाले हैं, चाहे मैं राजपूती पोशाक पहनूँ, चाहे मैं साड़ी पहनूँ, चाहे मैं सलवार कुर्ते पहनूँ, चाहे मैं वेस्टर्न आउटफिट पहनूँ, तो सब पे ईयरिंग जाने वाले हैं। क्योंकि इसमें जो कुछ ईयरिंग्स हैं वो इंडियन आउटफिट के हिसाब से एंड कुछ जो हैं वो वेस्टर्न आउटफिट के हिसाब से हैं। जो मैंने सभी तरह के ईयरिंग पिक करे हैं क्योंकि मेरे पास अभी ईयरिंग थे भी नहीं, तो मैंने सोचा कि कुछ शॉपिंग कर लेते हैं। सो एक ट्राई ऑन हॉल भी हो जाएगा एंड मेरे पास भी ईयरिंग का कलेक्शन हो जाएगा। सो मेक श्योर आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी हेल्प होने वाली है। अगर आप पर्ल एंड कुंदन डिज़ाइन के कुछ लॉन्ग ईयरिंग सर्च कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने जा रहा है। सो मेक श्योर अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल, इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलना। और अगर आप इनमें से कोई भी ईयरिंग परचेज करते हो या फिर आपको मेरा ईयरिंग कलेक्शन जो मैंने चूज़ किया वो अच्छा लगता है तो नीचे कॉमेंट करके भी मुझे बताना। सो लेट गेट स्टार्टेड। तो गाइज यहाँ पे मैं जितने भी ईयरिंग्स आपको दिखाऊंगी उनको मैं वेयर करके भी दिखाऊंगी तो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, इनका प्राइस भी प्लस आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा कि मैंने आफ्टर डिस्काउंट कितना पे किया है। सो आपको पता चल जाएगा कि कितने मैक्सिमम डिस्काउंट में आप इनको परचेज कर सकते हो। सो सबसे पहले जो मैं आपको ईयरिंग दिखाने जा रही हूँ वो ये ग्रीन कलर की कुंदन एंड पर्ल लटकन डिज़ाइन की ईयरिंग है। बहुत ही ब्यूटीफुल ईयरिंग है, आपको मैं क्लोजर लुक भी दिखाऊंगी और वेयर करके भी दिखाऊंगी। सो इनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, लाइक 350 के अप्रॉक्स मुझे पड़ गए हैं। और यहाँ पे आपको मिडिल में कुंदन फ्लावर लगता है, यहाँ पे भी कुंदन और नीचे जो पर्ल लटकन है वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी की है, लाइक बहुत शाइन वाले पर्ल डिज़ाइन है। सो मुझे ये ईयरिंग बहुत अच्छे लगे। इस टाइप की ईयरिंग आप लहंगा चोली पे मैचिंग का हो तो और कुर्तीज़ पे वियर कर सकते हो। सो ये राउंड प्लस जो नीचे से वी शेप आता है उस टाइप की ईयरिंग है। इस टाइप का ईयरिंग है, बहुत ही ऊपर से स्टड है और इस टाइप की लटकन वाला ईयरिंग है, बिल्कुल भी हैवी ईयरिंग नहीं है, दिखने में भी बहुत सुंदर है, बहुत ही गुड क्वालिटी का है, मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली। और अगर प्राइस की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। सो यू कैन सी कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट है एंड सारी ईयरिंग जो है बबल रैप में एक प्लास्टिक बैग के अंदर आते हैं। सो ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी। आप देख सकते हैं कितने गुड क्वालिटी के, इस टाइप की ईयरिंग आप शादी पार्टी सब में वियर कर सकते हो एंड प्राइस अगेन सो अफोर्डेबल। अदर वेबसाइट पे आप इनका कंपैरिजन करोगे तो आपको बहुत ही महंगे पड़ने वाले, लाइक आपको 450-650 इस रेंज में मिलेंगे। एंड इनका ब्रांड भी आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने कौन सी ब्रांड से ये पिक किया है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट ईयरिंग जो कि अगेन वाइट कुंदन एंड वाइट ही पर्ल डिज़ाइन की ईयरिंग है। इस टाइप से आप देख सकते हो, इस टाइप की ईयरिंग है, इनका प्राइस भी मैंने 350 अप्रॉक्स पे किया है एंड इनकी क्वालिटी भी बहुत ही अमेजिंग है। इस टाइप की ईयरिंग भी आप अगर कोई वेस्टर्न आउटफिट लाइक लहंगा चोली वेयर करते हो तो उसके हिसाब से एकदम परफेक्ट है। ये कौन सी ब्रांड की वो भी आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, प्राइस मैंने कितना पे किया वो भी आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, बट ट्रस्ट मी गाइज बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी है अकॉर्डिंग टू दी प्राइस, मुझे बहुत ही अच्छे लगे। एंड मैं इनको स्टाइल करने वाली हूँ अपने मेकअप लुक में, जब भी मैं कोई राजपूती ड्रेस वेयर करूँगी तो उसमें स्टाइल
करने वाली हूँ, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के इयररिंग्स है। सो ये दिखने में इस टाइप का इयररिंग है, जब हम इसको अटैच करते हैं तो इस टाइप से ये लटकन होती है और ऊपर का जो है बहुत ही स्टर्ड क्वालिटी का, एंड जो पर्ल है नीचे उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी शाइन कर रही है। सो मेक श्योर आपको समझ में आ गया होगा, तो पता चल गया होगा कि इयररिंग की क्वालिटी कैसी है। नेक्स्ट मैं आपको इयररिंग दिखाने जा रही हूँ, वो मेरे सबसे फेवरेट इयररिंग है। लाइक पर्सनली मैंने इनको अपनी पोशाक पे पहनने के लिए मंगवाया है, लाइक मैं इनको लहंगा चोली पे भी स्टाइल कर सकती हूँ। सो ये पिकॉक बना हुआ है यहाँ पे, इसमें तीन कलर ऑप्शन आपको मिलेंगे। मैंने इसमें जो पिकॉक है वो वाइट कलर का ही पिक किया है, इसमें आपको ब्लू एंड ग्रीन कलर का पिकॉक देखने को भी मिलेगा। मुझे एक्चुअली वाइट कॉम्बिनेशन में ही चाहिए था, मुझे कोई कलरफुल नहीं चाहिए था क्योंकि ऑलरेडी फ्लावर में जो है वो मरून कलर है, सो मुझे एकदम वाइट ही चाहिए था, इसलिए मैंने ये पिक किया। सो ये ब्यूटीफुल सा लॉन्ग इयररिंग है पिकॉक डिज़ाइन का, और इसका प्राइस भी बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल, लाइक 400 रुपीज़ है। एंड सेम इयरिंग अगर आप मिंत्रा पे देखोगे तो 540 रुपीज़ या 640 रुपीज़ का विथ डिस्काउंट। सो आप देख लीजिए इसका एक्चुअल प्राइस बहुत ही ज़्यादा महंगा है, 999 रुपीज़ है। सो इसकी क्वालिटी, कल की क्वालिटी, कुंदन की क्वालिटी, एवरीथिंग बहुत ही अच्छी आई है। अब ये दिखने में इस टाइप का, लाइक इस टाइप से स्टड क्वालिटी का है ऊपर से, और इस टाइप से ये पर्ल लटकन है इसकी। सो दिखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, एंड आप शादी पार्टी में जाते हो तो इस टाइप के लॉन्ग इयररिंग आप कुर्ती पर और लहंगा चोली पर स्टाइल करोगे तो बहुत ही अच्छा लगने वाला है। आपको जूम लुक भी दिख रहा, नेक्स्ट जो मैं आपके साथ में इयरिंग शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ब्यूटीफुल से हैं, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल, लाइक इनका प्राइस मैंने पे किया 270 रुपीज़ और 240 रुपीज़ आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, मैं अकाउंट में चेक करके बता दूंगी। सो 200 की रेंज में मुझे इतने गुड क्वालिटी के इयरिंग मिल गए, एंड यू नो इनका कलर जो है ये डार्क ग्रीन कलर है, नीचे पर्ल की लटकन है, और इस टाइप की इयरिंग आप साड़ी पे स्टाइल करोगे ट्रस्ट मी गाइस बहुत ही अमेजिंग लगने वाले हैं, मुझे बहुत अच्छे लगे। एंड अकॉर्डिंग टू प्राइस ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, लाइक इस टाइप की इयरिंग अगर आप क्वीन एरा करके शायद इनकी ब्रांड है, इस टाइप की इयरिंग अगर आप नायका पे देखोगे तो आपको 900 से नीचे नहीं मिलने वाले हैं, और इनकी क्वालिटी, इनके पेच की क्वालिटी बहुत ही अच्छी आई है। एंड मैं आपको इनको वियर भी करके दिखाऊंगी तो आपको पता चल जाएगा। सो ये दिखने के बाद इस टाइप से दिखते हैं, पर्ल इसमें 3 पर्ल लटकन है और यहाँ पे छोटे छोटे पर्ल हैं, सो दिखने में बहुत ही गुड क्वालिटी के हैं, थोड़े ब्रॉड वाली इयरिंग है। सो आपके पास इस टाइप का इयरिंग कलेक्शन नहीं हो तो आप ये डेफिनेटली पिक कर सकते हो कि प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। एंड एक चीज़ मैं आपको बता दूँगी, अगर आप 1000 से अबाउ शॉपिंग करोगे तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा, अगर आप सिंगल इयरिंग पिक करोगे तो मे बी शायद आपको 350-400 का पड़े, बट मैं आपको बोलूँगी 3-4 इयरिंग आप पिक करें तो उसमें आपको बहुत ही अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इयरिंग ही परचेस करें, आप कुछ भी प्रोडक्ट पिक कर सकते हो, बट 1000 से अबाव होगा तो उसमें अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। सो मुझे प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छे लगे। एंड इसमें ये जो पेच लगा हुआ, आपको ये कंपनी एक्स्ट्रा पेच का पैकेट भी देती है, वो मुझे सबसे अच्छी बात लगी है इसकी। नेक्स्ट जो मैं आपको इयरिंग दिखाने जा रही हूँ वो भी मेरे फेवरेट इयरिंग है, लाइक ये भी मैं अपनी किसी ना किसी पोशाक के साथ में स्टाइल करने वाली हूँ। सो ये लॉन्ग राउंड इयरिंग है विथ पर्ल डिज़ाइन, सो ये बहुत ही ट्रेंडी इयरिंग है। आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो अनारकली सूट होते हैं उस पर लड़कियाँ इस टाइप की इयरिंग पहनती है, सो ये बहुत ही ट्रेंडी एंड बहुत ही स्टाइलिश इयरिंग है। एंड प्राइस अगेन सो अफोर्डेबल, 400 के आसपास रेंज के ये इयरिंग्स हैं, इनकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी आई है। अब मैं आपको फुल्ली दिखा देती हूँ कि किस टाइप से दिखता है।
सो ये दिखने में कुछ इस टाइप का, ऊपर से स्टर्ड है एंड ये जो राउंड है चांद वाली टाइप वो पूरा इस टाइप से शेक होता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है वियर करने के बाद। सो ये चांद वाली इयरिंग जो है, जितने भी मैंने आपको चांद वाली इयरिंग दिखाए हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल है। अकॉर्डिंग टू प्राइस इनकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। सो मुझे बहुत ही अच्छे लगे ये इयरिंग, आप देख सकते हैं इनकी क्वालिटी, इनका पर्ल का जो शाइन है वो बहुत ही गुड है एंड इन पर जो कुंदन लगे हैं वो भी बहुत ज़्यादा शाइनिंग है एंड प्राइस अकॉर्डिंग सो अफोर्डेबल। नेक्स्ट जो इयरिंग है वो ब्राइट रेड कलर की कुंदन की एंड पर्ल डिज़ाइन की इयरिंग है। यू नो इनका जो लुकिंग है पूरा गोल्ड में आता है, लेकिन इनको वियर करने के बाद पूरा गोल्ड दिखता है। इनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है और ये थोड़े हैवी लुक के इयरिंग है एंड लुकिंग वगैरह बहुत अच्छी, कुर्ती के साथ में बहुत अच्छे लगते हैं ये। ये तो हुए कुछ इंडियन आउटफिट के इयरिंग्स, आपने देखे जिनको आप शादी में पार्टी में स्टाइल कर सकते हो। आऊँगी वेस्टर्न आउटफिट के हिसाब से, यू नो मैं वीडियो बनाती रहती हूँ सो मुझे बार बार इयरिंग चेंज करने पड़ते हैं। सो मैं सोचती हूँ कि जब मोस्ट ऑफ द टाइम मैं वेस्टर्न आउटफिट वेयर करती हूँ तो मैंने सोचा कि मेरे पास कुछ ऐसा इयरिंग का कलेक्शन होना चाहिए। उससे पहले जो आपने मेरा इयरिंग हॉल देखा था अमेजोन का, वो भी मेरे पास है बट मैं उनको पहनते पहनते बोर हो गई। सो मैंने अभी ये कुछ स्टड टाइप की इस टाइप से ये बाली इयरिंग मंगवाए हैं आजियो से। सो ये जो इयरिंग है बहुत ही खूबसूरत लगते हैं वियर करने के बाद एंड इनमें जो ये राउंड है उसमें हल्का सा ट्विस्ट है। सो वियर करने के बाद बहुत ही अच्छे लगते हैं और ये पूरा जो राउंड है वो डायमंड, पूरे राउंड में जो है डायमंड है और ये जो है वो बहुत ही खूबसूरत है। सो वियर करने के बाद बहुत ही अच्छे लगते हैं वेस्टर्न आउटफिट पे, अगर आप ऑफिस जाते हो कॉलेज जाते हो और अगर आप गोल्ड की ज्वेलरी पहनना पसंद नहीं करते हो तो इस टाइप की इयरिंग बहुत ही अच्छे लगते हैं, आप वियर कर सकते हो। एंड प्राइस के अकॉर्डिंग आई थिंक 220 रुपीज़ और 240 रुपीज़ मैंने इनका पे किया, वैसे आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा ब्रांड कौन सी वो भी आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। नाउ कमिंग टू दी लास्ट इयरिंग, वैसे मैंने एक और इयरिंग सेट ऑर्डर किया था, वो ब्लैक कलर का फ्लोरल डिज़ाइन का था बट वो आया नहीं है, पता नहीं क्यों, शायद आउट ऑफ स्टॉक होगा इसलिए अभी तक उन्होंने डिस्पैच भी नहीं किया, बट कोई ना, जो हमें मिला है उसका हम बता देते। सो यहाँ पे मैंने पिक किया ये 3 बाली का सेट, जिसमें ये हाफ बाली होती है लेकिन आगे से आपको इस टाइप से दिखेगा जैसे कि ये बाली है पूरी और नीचे जो है डायमंड की लटकन होती है। सो एक तो मैंने वियर कर रखा है, आपको दिख रहा होगा ये डार्क ब्लू कलर का है, ये स्काई ब्लू कलर का है, थोड़ा सा स्काई ब्लू कलर से जो डार्क कलर आता है उसका, और एक ये व्हाइट कलर का डायमंड का है। सो इस टाइप की बाली डेली यूज में पहन सकते हो या आप ऑफिस जाते हो तो पहन सकते हो, बहुत ही अच्छी लगती है। एंड इसका प्राइस जो है वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, लाइक 400 की मुझे 3 बाली का सेट मिला जो मुझे थोड़ा एक्सपेंसिव लगा। यू नो अगर बाहर मार्केट से परचेज करो तो शायद 50 या 60 रुपीज़ में मिल जाएगा, बट इसका प्राइस मुझे थोड़ा एक्सपेंसिव लगा, बट इट्स ओके क्योंकि मेरे को और ज्वेलरी जो है वो बहुत ही अच्छे खासे डिस्काउंट में मिल गई। सो चलता है इतना कि 100 रुपीज़ मैं एक्स्ट्रा दे सकती हूँ इसके लिए। सो ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी डेली यूज़ के हिसाब से, इनकी क्वालिटी अगेन सो अमेजिंग एंड प्राइस थोड़ा एक्सपेंसिव है। सो आप चाहो तो इसे परचेस कर सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। मुझे अच्छी लगी इसलिए मैंने पिक करी, बट हाँ इसका प्राइस जो है थोड़ा एक्सपेंसिव है। सो गाइज दैट्स ऑल अबाउट माई इयरिंग हॉल वीडियो, आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। हेल्पफुल रहे तो मुझे कॉमेंट करके बताना आपको सबसे ज़्यादा कौन सी अच्छी लगी और कौन सा इयरिंग है जो यू विल डेफिनेटली बाय, वो भी मुझे कॉमेंट करके बताना। एंड ट्रस्ट मी गाइज, मैं आपको ये टिप बताना चाह रही हूँ कि आपके पास जो कूपन कोड होते हैं वो अप्लाई कीजिएगा, 1000 से अबाउट शॉपिंग कीजिएगा तभी आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। एंड आप अदर वेबसाइट पर कंपेरिजन करके देख लेना, आफ्टर डिस्काउंट आपको इतने कम प्राइस में तो नहीं मिलने वाला है। सो मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी एंड मैंने ग्रैब कर
लिया फटाफट से अगर इतना अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा था तो। एंड वैसे आजियो पे सेल चलती रहती तो आप पिक कर सकते हो। एंड जैसा कि आपको पता है वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। फर्दर कौन सा वीडियो देखना चाहते हो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलना। थैंक यू गाइज। बाय बाय।